बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। माइक्रोसॉफ्ट के इस लेक्चर में हम लोग एडिटिंग डॉक्यूमेंट्स पढ़ने जा रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर जो है वो ये है डॉक्यूमेंट्स में एडिटिंग करना। एडिटिंग इन वर्ड डॉक्यूमेंट इज़ अनदर फीचर ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। वी कैन ईजीली मॉडिफाई द डॉक्यूमेंट इन वर्ड, कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इजीली डॉक्यूमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। लेकिन एडिटिंग करने से पहले या फॉर्मेटिंग करने से पहले आपको उस चीज़ को सिलेक्ट करना होता है जिसकी आप फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं। अगर आप किसी भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं या आप एडिटिंग करना चाहते हैं, तो यू मस्ट सिलेक्ट द टेक्स्ट फर्स्ट, कि आप उस टेक्स्ट को सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर कुछ सिलेक्टिंग द टेक्स्ट के कुछ मेथड्स हैं, ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप अपने टेक्स्ट को किस किस मेथड के ज़रिए से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पहला मेथड जो है आपका सिलेक्शन ऑफ द वर्ड, कि सिलेक्टिंग एन एंटायर वर्ड, कि अगर आप सिर्फ एक वर्ड को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो डबल क्लिक कर दें उस वर्ड के ऊपर, आपका वो कम्प्लीट वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। लाइक वर्ड डबल क्लिक किया और ये देखिएगा वर्ड सिलेक्ट, इधर आप डबल क्लिक करेंगे पूरा वर्ड सिलेक्ट। याद रखिएगा कि वर्ड आपका कब बनता है, जब आप किसी भी कैरेक्टर के बाद स्पेस दे देते हैं तो वो आपका स्पेस के बाद वो पूरा एक वर्ड बन जाता है। लाइक यहाँ पर आप एग्जांपल भी देख रहे हैं कि पूरा एक वर्ड डबल क्लिक करके आपने सेलेक्ट किया, ये देखें डबल क्लिक और ये देखें, तो डबल क्लिक करके आप पूरा एक वर्ड सेलेक्ट करना कर सकते हैं। अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं सेलेक्टिंग एन एंटायर सेंटेंस, कि अगर आप एक सेंटेंस जो है वो सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो होल्ड डाउन द कंट्रोल की व्हाइल यू क्लिकिंग एन एनी वेयर ऑन द सेंटेंस, कि आप कंट्रोल की कीबोर्ड की मदद से दबा दें, उसके बाद आप उस सेंटेंस पे किसी भी जगह पे क्लिक करेंगे तो आपका पूरा सेंटेंस जो है वो क्या हो जाएगा, पूरा सेंटेंस आपका जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखिएगा, ये मैंने कंट्रोल की प्रेस की, लाइक ये पहले क्लिक कंट्रोल की प्रेस, उसके बाद ये क्लिक किया तो देखिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका पूरा सेंटेंस सिलेक्ट हो चुके हैं। नीचे आप एग्जांपल में भी दे सकते हैं कि कंट्रोल प्लस आपने क्लिक किया तो या जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया। लाइक इसी तरह से अगर ये आपका सेंटेंस है पूरा, पहले कर्सर वहाँ पर रखा, उसके बाद कंट्रोल कीबोर्ड की मदद से प्रेस किया और देन लेफ्ट क्लिक, जैसे आपने लेफ्ट क्लिक किया तो आपका पूरा एंटायर सेंटेंस जो था वो सिलेक्ट हो गया। याद रखिएगा के कंट्रोल की प्रेस करके आप लेफ्ट क्लिक दबा दें तो आपका इंटायर सेंटेंस सिलेक्ट हो जाएगा। तो उसे सिलेक्टिंग इंटायर पैराग्राफ, अगर आप पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप ट्रिपल क्लिक एक साथ करेंगे तो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। लाइक दैट, ये देखिएगा मैं एक साथ ट्रिपल क्लिक करूँगा तो मेरा पूरा पैराग्राफ जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। पैराग्राफ कहाँ तक होता है, जहाँ से आप नेक्स्ट एंटर करते हैं तो वहाँ तक आपका पैराग्राफ होता है। जब तक आप एंटर नहीं करेंगे तब तक आपका नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट नहीं होगा। तो कोई भी पैराग्राफ जो है आप सिलेक्ट करना चाहें तो उस पर आप ट्रिपल क्लिक एक साथ कर दें तो पूरा पैराग्राफ आपका सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका है कि सिलेक्टिंग ए लार्ज एरिया, अगर आप किसी लार्ज एरिया को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये स्टेप्स जो है वो अडॉप्ट करने होंगे। पुट द कर्सर ऑन द स्ट्रेट पॉइंट, होल्ड डाउन शिफ्ट की एंड क्लिक ऑन द एंडिंग पॉइंट ऑफ द डिजायर्ड एरिया, रिलीज द माउस बटन, डिजायर्ड लार्ज एरिया विल बी सिलेक्टेड। मतलब कि आप कोई भी एरिया जो है वो सिलेक्ट कर लें, उसके बाद कीबोर्ड की मदद से आप शिफ्ट का बटन दबा दें और किसी भी जगह पर जाकर आप, लाइक अगर मैंने यहाँ पहले कर्सर रखा उसके बाद शिफ्ट का बटन दबाया उसके बाद यहाँ पे मैंने माउस से क्लिक किया, देखिएगा जहाँ से मैंने स्टार्टिंग कर्सर था वहाँ से और यहाँ तक टेक्स्ट सिलेक्ट हो चुका है। तो ये बहुत अच्छा वे है कि लाइक इस कर्सर से लेकर आपने यहाँ तक जो है सिलेक्ट करना है, तो ये आप क्लिक करेंगे तो देखिएगा वहाँ से डिजायर्ड एरिया जो है आपका सिलेक्ट हो रहा है। तो लाइक टू से लेकर आप यहाँ तक करना चाहते हैं शिफ्ट का बटन दबाएंगे और ये देखिएगा कि टू सिलेक्ट से लेकर आपका पोजिशन तक पॉइंट तक जो है वो टेक्स्ट सिलेक्ट हो चुका है। तो लार्ज एरिया जो है वो आप इस शिफ्ट की मदद से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर रेक्टेंगुलर एरिया सिलेक्ट करना चाह रहे हैं फिर आप क्या करेंगे, फिर आपको होल्ड डाउन ऑल्ट की आप दबाएंगे, उसके बाद आप लेफ्ट माउस क्लिक प्रेस करके ड्रैग करेंगे तो आपका रेक्टेंगुलर एरिया सिलेक्ट होगा। लाइक मैं ऑल्ट की ये कीबोर्ड से दबा रहा हूँ यहाँ पर और उसके बाद ये मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो आप देखिएगा रेक्टेंगुलर एरिया जो है मेरा वो सिलेक्ट हो रहा है। नीचे एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं कि प्रेस डाउन द ऑल्ट की एंड ड्रैग द माउस, लाइक
ये देखिएगा, ये रेक्टेंगुलर एरिया नीचे आपको एग्जांपल में सिलेक्ट करके भी दिखाया हुआ है कि अगर आप रेक्टेंगुलर एरिया सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ऑल्ट का बटन दबा दें और उसके बाद आप ये मूव करेंगे कर्सर्स को, तो देखिएगा आपका जो है रेक्टेंगुलर वे में आपका टेक्स्ट सिलेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट अगर चलें तो डी सिलेक्ट अगर करना चाहते हैं टेक्स्ट को, अगर आपने इतना सारा टेक्स्ट सिलेक्ट किया उसको अगर डी सिलेक्ट करना चाहते हैं तो जस्ट क्या करें कि किसी भी ब्लैंक जगह पर क्लिक कर दें। जैसे ही ब्लैंक जगह पर क्लिक करेंगे वो जो सिलेक्शन थी आपकी वो ख़त्म हो जाएगी। टू डी सिलेक्ट द टेक्स्ट क्लिक एनी वेयर इन द डॉक्यूमेंट द सिलेक्टेड टेक्स्ट विल बी डी सिलेक्टेड, कि आप डॉक्यूमेंट की किसी भी जगह पर एनी वेयर आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि आपका जो टेक्स्ट है सिलेक्टेड वो डी सिलेक्ट हो जाएगा। लाइक देखिएगा कि इस एग्जाम्पल में ये टेक्स्ट सिलेक्टेड था और यहाँ पर आप देखेंगे वो सिलेक्ट टेक्स्ट जो है वो डी सिलेक्ट हो चुका है। अगर यही काम आप कीबोर्ड शॉर्टकट से करना चाहें तो किस तरह से करेंगे, यूजिंग कीबोर्ड्स। देखिएगा लिखा हुआ, अगर आप करेक्टर को एक करेक्टर को करना चाहते हैं तो प्रेस शिफ्ट एंड द राइट एरो, ये शिफ्ट का बटन दबाएं उसके बाद कीबोर्ड से राइट एरो की मदद से आप ये देखिएगा एक एक करेक्टर को जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा आपकी जो स्पेसिस होती हैं ये भी करेक्टर्स में इंक्लूडेड होती हैं, तो एक एक करेक्टर अगर आप जो है राइट जो है राइट टुवर्ड्स द राइट अगर सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो ये करेंगे, कर्सर आपका इस तरफ है तो टुवर्ड्स द लेफ्ट करना चाह रहे हैं शिफ्ट और ये लेफ्ट एरो करेंगे तो आपका जो है एक एक करेक्टर जो है इस तरह से सेलेक्ट होता जाएगा। सेम इसी तरह से अगर पूरा एक वर्ड सेलेक्ट करना चाह रहे हैं लाइक, फिर आप शिफ्ट कंट्रोल और एरो, लाइक ये पूरा वर्ड मैंने सेलेक्ट करना था कंट्रोल शिफ्ट प्लस एरो इस साइड का वर्ड, ये देखिए पूरा वर्ड सेलेक्ट हो गया। अगर यहाँ पर हूँ फिर मैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो करूँगा तो मेरा ये साइड वाला वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एरो से आप जो है वो वर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने पूरी लाइन सेलेक्ट करनी है शिफ्ट प्लस एंड, तो शिफ्ट का बटन दबाएंगे और एंड का बटन न्यूमेरिक कीज में आपका होता है उसको दबाने से आप पूरी लाइन जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। कहाँ से, टू सेलेक्ट फ्रॉम द कर्सर पोजिशन टू द एंड ऑफ द लाइन, कि अगर आपकी जो है वो कर्सर यहाँ पर है और आप इसके एंड तक सेलेक्ट करना चाहते हैं तो शिफ्ट का बटन दबाएंगे और उसके बाद एंड का बटन जो कि आपकी सिस्टम कीज में है वो एंड का बटन दबाने से आप देखिएगा लाइन के शुरू से लेके एंड तक आप लाइन सेलेक्ट कर लेंगे। सेम इसी तरह से अगर आप जो है एंड से होम तक करना चाह रहे हैं फिर आप यहाँ पर रखें और उसके बाद होम दबा दें शिफ्ट होम तो आप उसके बिगिनिंग तक पहुँच जाएंगे। सेम इस तरह पैराग्राफ करना है तो प्रेस शिफ्ट कंट्रोल अप एंड डाउन एरो से आप कर सकते हैं, शिफ्ट का दबाएंगे कंट्रोल का बटन दबाएंगे और उसके बाद आप एरो के ज़रिए से पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक ये मेरा यहाँ कर्सर था कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, ये देखिएगा पूरा पैराग्राफ आपका सेलेक्ट हो रहा है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस अप एरो करेंगे तो एक एक पैराग्राफ आपका डिसलेक्ट होता रहेगा। अगर आप पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना चाहते हैं फिर होल डॉक्यूमेंट कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, ठीक है कंट्रोल ए कीबोर्ड की मदद से कंट्रोल ए ये मैंने प्रेस किया तो देखिएगा सारा डॉक्यूमेंट आपका सेलेक्ट हो जाएगा, पूरा जितना भी आपका टेक्स्ट होगा पूरे डॉक्यूमेंट पे जितने भी पेजेस होंगे ऑल विल बी सिलेक्टेड। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं, अगर कीबोर्ड से करना चाहें तो एडिट मेन्यू में जाकर मेन्यू बार से सॉरी तो यहाँ पर सिलेक्ट ऑल की ऑप्शन है, आप जो है सिलेक्ट ऑल कंट्रोल प्लस ए शॉर्टकट की, यहाँ से भी आप पूरा डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था आपका सिलेक्टिंग सेट्स कि किस तरह से आपने अपने डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है बिफोर एडिटिंग बिफोर फॉर्मेटिंग। थैंक यू वेरी मच।